Hello students, how are you? Welcome to Edwin Digital Classes. Today we will start sixth chapter of our history, that is when people repeat. We will start this chapter. Chalo beta, start karte hain. Introduction. Nature of revolt of 1857. 1857 ka revolt jo hai, वो डियर स्टूडेंट्स उसके नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ओपन टर्म्ड एज, उसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए पहला युद्ध क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में पहली बार जितनी भी इंडियन सोसाइटी थी वो सारे के सारे एक साथ खड़े हुए किसके अगेंस्ट? कॉमन एनिमी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो एक साथ खड़े हुए. इसलिए हम लोग 1857 का जो रिवॉल्ट है उस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं. व्हाई डिड सच अ रिवॉल्ट स्टार्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर क्यों स्टार्ट हुआ? व्हाट लीड दिस रिवॉल्ट? What were its result? क्या result से कैसे revolt जो है वो lead हुआ? इन सब के बारे में हम लोग discuss करेंगे. Let us look or at causes and consequences. सबसे पहले causes और consequences के बारे में जो है वो dear students, प्यारे बच्चों, हम लोग discuss करेंगे. तो चलिए start करते हैं. Britishers ने India के अंदर 100 years from 1757 से 1857 तक रूल किया. द ब्रिटिश रूल, इस ब्रिटिश रूल से डिससैटिस्फैक्शन और डिस्ट्रस्ट जो है वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा, जिसके कारण इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है ये रिवॉल्ट अपराइज हुआ. 1857 में मेजर रिवॉल्ट जो है उसके वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल. It had vast participation. इसके अंदर peasants, craftsmen, soldiers, artisans, nobles और rulers, इन सभी को जो है वो क्या किया गया? इन सभी लोगों ने इस युद्ध के अंदर पार्ट लिया. Let us more learn about causes behind this revolt. अब इसके और कौन कौन से causes थे? The revolt of 1857, 1857 का जो क्रांति थी उसको स्पॉय म्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध. सम इंडियन हिस्टोरियंस कॉल, इसीलिए कुछ भारतीय इतिहासकार जो है वो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जो है वो भी, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये लोग जो है वो सभी के सभी जानते हैं. द ब्रिटिश राइटर्स जो थे जैसे कि सर जेम्स आउट्राम और पीई रॉबर्ट्स, इन्होंने कहा कि क्या कहा? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज, ग्रीस्ड कार्टेज का इंट्रोडक्शन आने से ये युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ. दे डिस्क्राइब्ड, वे बताते हैं द इवेंट्स एज कंसंट्रेटेड रिवॉल्ट ऑफ इंडियंस. भारतीय लोगों ने इस इवेंट के अंदर हिस्सा लिया और फाइट की बिटवीन सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड पीपल के बीच में जो है ये क्रांति हुई. ब्रिटिश गवर्नर जनरल डैशली जो है वो इसे नेशनल रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो है वो यूनाइट हुए, एक हुए कॉमन फीचर्स को लेकर, और बाद में दैट इज हैट्रेटेड टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स. और ये सभी लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के का जो है वो इन लोगों ने विरोध किया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके कॉजेज, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कोज. और पॉलिटिकल कोज के अंदर पहला आता है इंपीरियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश. जितने भी ब्रिटिश रूलर्स से रॉबर्ट क्लाइव से लेके डलहौजी तक सभी लोगों ने एक्सपेंशन की पॉलिसी जो है वो इंडियन स्टेट्स के अंदर स्टार्ट की. भारतीय स्टेट्स के अंदर उनको वो अनेक्स किया करते हैं और वहां पे ब्रिटिश एम्पायर जो है उसका राज स्टार्ट होता. इट गेव राइज, ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा. रिसेंटमेंट अमंग द नेटिव रूलर्स विच क्यूमिलिनेटेड इन 1857. लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
लॉर्ड डलहौजी वॉज हाईली एम्बिशियस प्री प्रो इंपेरियलिस्ट अंडर हिज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स, उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स की पॉलिसी के अनुसार एनी रूलर, कोई भी राजा हु डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयरर, हेयरर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, अगर किसी भी राजा के उत्तराधिकारी नहीं हो पाते यानी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है, टू द थ्रोन वुड हैव टू फॉरफिटेड द राइट ऑफ रूल हिज फ्यूचर जनरेशन। उत्तराधिकारी क्या करता है, राजा के मृत्यु के बाद आगे जो है वो राजा बनता है और उसकी जनरेशन या उसका वंश जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन लीड टू द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स लाइक, इससे जो है वो क्या हुआ, सतारा, नागपुर, झांसी जैसे जो स्टेट्स हैं वहां पे जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जो है वो स्टार्ट किया। अबॉलिशन ऑफ पेंशन और टाइटल्स, लॉर्ड डलहौजी ने जो भी पेंशन और टाइटल्स थे उत्तराधिकारियों के, राजाओं के शासक उनको उनके जो पेंशन और उनके जो टाइटल्स हैं उनको डिनाइड किया। इससे कर्नाटक और तंजौर के राजा के जैसे कि नाना साहिब अडॉप्टेड सन जो था बाजीराव सेकंड, उसका टाइटल डिनाइड किया गया। पेंशन जो थी पेशवाज की डेथ के बाद बंद की गई। थर्ड रीजन क्या था, एनेक्सेशन ऑफ अवध। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अनेक्स किया माल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पे। नवाब वाजिद अली शाह जो है उन्हें कैलकटा भेजा गया और उन्हें कहा गया कि उन्हें एनुअल पेंशन के रूप में 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत से कोर्टियर्स, नोबल्स और ऑफिसर्स जो है उनकी जॉब ब्रिटिशर्स ने छीनी। जहांगीर्स को 21,000 तगलुकदार जो है उनसे रिमूव कर दिया गया, जिसके रिजल्ट क्या है, ब्रिटिशर्स का इन सभी लोगों ने जो है वो विरोध किया। उसके बाद डिसरेस्पेक्ट यानी बेइज्जत करना, बहादुर शाह जफर जो एक मुगल एम्पायर था, लॉर्ड हार्डिंग्स ने जो है वो जितने भी कस्टम्स चल रहे थे मुगल एम्पायर के वो सभी रोके और बाद में उन्हें रिमूव कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी इवन चौंक्ड आउट ऑफ प्लान, उन्होंने भी इस प्लान का हिस्सा वो हिस्सा बने और राजा का जो रूल है उसे अपने हाथों में लिया। दिस टर्न, जिससे क्या हुआ, मुस्लिम्स जो है वो भी क्या हो गए, मुगल एम्पायर हाई स्टीम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स जो है वो भी ब्रिटिशर्स के क्या हो गए बेटा, अगेंस्ट हो गए, उनका जो है वो विरोध करने लगे। ब्लॉ ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ग्रेजुअल डिस्पीरेंस ऑफ नेटिव स्टेट्स मेड मेनी पीपल लाइक स्कॉलर्स, आर्टिशियंस, स्कल्पचर्स, फर्कीज एंड प्रीचर्स अनएम्प्लॉयड। इससे ये सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। दीज वर पेट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ नेटिव स्टेट, ये सभी लोग जो है वो देशभक्त हुआ करते थे। कंडीशन तो जो थी इस क्लास की बहुत ज्यादा पैथिक थी, गिविंग राइज, जिसने एंटी ब्रिटिशर सेगमेंट्स जो है उनको क्या किया, विरोध में लिया, या ये सभी लोग जो है जो आर्टिशियन, स्कॉलर्स जो है, स्कल्पचर्स, ये भी सारे के सारे उसके विरोधी हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या थे, एलियन रूल, इंडिया वॉज रूल्ड, इंडिया जो है वो थाउजेंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा रूल किया जाता था और हजारों मील जो लंदन है वहां से ये रूल करते थे। इसके साथ साथ इंडिया के जो बिलीव्स और जो कस्टम्स थे उनको भी इग्नोर किया जाने लगा, जिसके रिजल्ट क्या है, इंडियन मासेस के साथ साथ जो है वो भारतीयों के दिल जो है वो भी ये लोग नहीं जीत पाए। जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, नया जुडिशियल सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, जो इम्प्रॉपर था और पार्शियल था। रिच और रिसोर्सफुल पीपल जो है वो क्या थे, एबल थे, वो इस चीज में सक्षम थे टू मैनिपुलेट, कि वो क्या कर सके, जजमेंट जो है वो अपने फेवर में ले सके, जिसके कारण कॉमन पीपल जो है वो इससे डिससेटिस्फाइड हुए। इंडियन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हायर पोस्ट, भारत के जितने भी लोग थे या इंडियंस जितने भी थे उन सभी को ह्यूमिलेट किया जाता था, एक्सक्लूड किया जाता था। जितनी भी सिविल सर्विसेज थी, मिलिट्री के अंदर रैंक्स थी, सूबेदार्स की जो पोस्ट थी, उन सभी के अंदर ब्रिटिशर्स जो है उनको अपॉइंट किया जाता था,
इंडियंस को जो है वो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती थी. लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल द मेंबर्स जितने भी मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो ब्रिटिशर्स थे. दे वर नॉट वेल एक्यूलेटेड बाय द ट्रेडिशन. ये सभी लोग इंडिया के ट्रेडिशन बिलीफ और उन इन भारतीयों की प्रॉब्लम्स जो है उसको नहीं समझते थे. इसके लिए दे फोर्स लॉ, जितने भी कानून थे भारतीयों के लिए विदाउट केयरिंग फीलिंग, वो भारतीयों की फीलिंग्स की केयर नहीं किया करते थे, जिसके कारण जो है वो 1857 जो है उसका रिवोल्ट जो है उसको स्टार्ट किया गया. इकोनॉमिक कॉज क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ. ब्रिटिशर्स जो है वो फॉरेन मर्चेंट्स थे और इनका मेन मोटिव जो है वो क्या था? मैक्सिमम मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, चाहे वो रोज वेजेस की मदद से हो, वो गिफ्ट की मदद से हो या प्रेजेंट्स की मदद से हो. वन थर्ड रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिशर्स का सैलरी के रूप में एक्सपेंड होता था. ह्यूज अमाउंट वॉज सेंट, बहुत ज्यादा पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स रिटायर्ड हो चुके थे उनकी पेंशन के लिए. दिस इनमेंस ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, जिसके कारण जो है वो इंडिया के अंदर गरीबी छाने लगी और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. क्लियर? उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी, ट्रेड थे और कॉमर्स थे, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होने लगा. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को अपने हाथों में लिया और प्रोटेक्ट किया कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे करें. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिजल्ट क्या आने लगे? इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लडेड होने लगा, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लड हुए और इंडिया के अंदर लाइवलीहुड का जो सोर्सेस है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ. एक्सऑर्बिनेंट रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जमीन के ऊपर जो टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, लैंड के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसे रेवेन्यू के नाम से जानते हैं. तो रेवेन्यू जो है वो अमाउंटेड क्या था? मोर देन हाफ ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स को आधे से ज्यादा जो प्रोडक्शन होता था उसको टैक्स के रूप में जो है वो पे करना पड़ता था, जिसके कारण गरीबी, स्टार्वेशन का मतलब होते हैं भूखमरी जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया के अंदर क्रिएट होने लगी. और इसी से ही जो है वो 1770 से लेके 1857 तक इंडिया के अंदर 12 बार जो है वो टोटल क्या आया? फेमाइन आया. और इस फेमाइन से मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है वो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मारे गए. रिसम्पशन ऑफ रेस्ट फ्री लैंड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम, इनकम को बढ़ाने के चक्कर में कंपनी की गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने एक सर्वे किया. जितने भी जागीरदार हैज बीन गिफ्टेड बाय द इंडियन रूलर्स, जागीरदार कुड नॉट प्रोड्यूस, जागीरदार जो है वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को जो है वो पेश नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ा. इंडियन कमीशन ने 1852 में इन्वेस्टिगेट किया प्रॉपर्टी को और राइट ऑफ लैंड जो ऑनर्स है उसे कॉन्फिशिएट किया जाने लगा. 21,000 हेरिडेटरी जागीरदार जो है उन्हें 5 साल के अंदर वहां से रिमूव किया गया, हटाया गया, जिसके कारण जो है वो 1857 जो है उसका रिवॉल्ट हुआ. राइजिंग प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, 1857 के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इंडिया की वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी. लोग जो है वो अनेबल थे, असक्षम थे अपनी बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ और शेल्टर को पूरा करने के लिए. इन सभी लोगों ने जो है वो क्या किया? राइबल्स के साथ यानी क्रांतिकारियों के साथ जो है वो ये लोग जुड़े और इन्होंने जो है वो 1857 का रिवॉल्ट जो है उसको स्टार्ट किया. सोशल और रिलीजियस कोज क्या थे? माल ट्रीटेड ऑफ इंडियंस, ब्रिटिशर्स इंडियंस को जो है वो इनफीरियर और अनसिविलाइज्ड के नाम से जानते थे.
इंडियंस कुड नॉट नाइदर गो, इंडियंस ना किसी क्लब में जाते थे ना ब्रिटिशर्स उनके साथ ट्रेवल किया करते थे, यहां तक कि इंडिया के अंदर जो हायर पोस्ट थी वहां पे भी उनको अपॉइंट करने के राइट्स अधिकार जो है वो नहीं थे। इस माल ट्रीटेड के कारण इंडियंस जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया। इंटरफेरेंस इन सोशल लाइफ, ह्यूमिने ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो धीरे धीरे क्या किया, इंडिया की जो सोसाइटी थी जैसे सते सिस्टम था, ह्यूमन सेक्रीफाइस था, इन सभी के अंदर एंटर करना जो है वो स्टार्ट किया। लॉर्ड वेस्ली ने फीमेल फैंटिसाइड जो है उसको बंद किया, विडो रीमैरिज को लीगलाइज्ड बताया। इंडियन थॉट, भारतीय मानते थे ब्रिटिशर्स इंटरफेयरिंग, ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी सोशल लाइफ के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो विरोध किया। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर वेस्टर्न नॉलेज और साइंस को इंग्लिश के अंदर चलाना स्टार्ट किया। इस नए सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज से बिलोंग किया करते थे और उन सभी पर्संस, उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एक ही छत के नीचे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। द इंडियंस वर कॉन्विंस्ड, भारतीय जितने भी लोग थे वो, और उनको फोर्स किया गया इंडियन यूथ को कि वो लोग क्या करें, कन्वर्टेड इंडियन यूथ टू क्रिश्चियनिटी, कि क्रिश्चियनिटी जो है ईसाई धर्म जो है, क्रिश्चियन धर्म जो है उसे अडॉप्ट करें। प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, एनी इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ पोपा वॉज द प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इंग्लिश मिशनरीज ने कमियां निकाली भारतीय धर्म के अंदर और प्रीरीचिंग किया कि वो क्रिश्चियनिटी जो है उसको अडॉप्ट करें। बाइबल की स्टडी करने के लिए उन्हें कंपल्सरी किया जाने लगा। स्कूल्स के अंदर जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स थे वहां पे बाइबल की स्टडी जो है उसको कंपल्सरी किया गया। इसके साथ साथ जो है इन इंडियन मासेस जो है दे हैड टू बिगन थिंग, उन्होंने गवर्नमेंट वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू क्रिश्चियनिटी। गवर्नमेंट ने ये भी इश्यूज निकाले कि इनकी इनका जो अगर कोई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट नहीं करता है तो उसे वहां से जो है वो किक आउट कर दिया जाए, उसे वहां से जो है वो बाहर निकाल दिया जाए, ना तो उसे गवर्नमेंट जॉब में कोई जगह है, ना ही उन लोगों को जो है वो किसी प्रकार का कोई और पावर्स मिलेंगे। मिलिट्री कॉज क्या थे, अनरेस्ट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स का जो रिक्रूटमेंट होता था कंपनी आर्मी के अंदर वो इनसेपरेटेबल होता था, जैसे कॉमन मासेस के थ्रू दे टू हार्ड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान होता था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, डिस्ट्रक्शन होता था इंडियन इंडस्ट्रीज, ट्रेड और कॉमर्स का। इंग्लिश एजुकेशन, क्रिश्चियनिटी और अननेसेसरी सोशियो रिलीजियस मैटर्स जो है वो भी बदलने लगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया इंडियन सोल्जर्स की पर्सनल लाइफ के अंदर, जिसके कारण इंडियन स्पॉयज, भारतीय सैनिक जो है वो डिसकंटेंटमेंट हुए और उन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया। लो सैलरी अलाउंसेस टू द इंडियंस, भारतीय सैनिकों को जो है वो सैलरी और अलाउंसेस के बेसिस पे भी डिप्राइव्ड किया जाता था। आफ्टर 30 इयर्स, 30 साल के बाद लॉयल सर्विसेज जो थी वहां पे भारतीय सैनिकों को जो सैलरी दी जाती थी वो ब्रिटिशर्स स्पॉयज, ब्रिटिशर्स सैनिकों की तुलना में ये सैलरी जो है वो बहुत कम थी, जिसके कारण जो है इस क्रांति को स्टार्ट हुई। डिसरेस्पेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन सोल्जर्स, भारतीय जितने भी सैनिक थे उनके खिलाफ डिसरेस्पेक्ट, असम्मान की भावना स्टार्ट हुई। दे वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रो इन द बैटल, उन्हें युद्ध के अंदर आगे ही आगे जो है वो खड़ा किया जाता था। दे हैड मैक्सिमम सैक्रिफाइस, ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस जो है वो इंडियंस के दिए जाते थे, जबकि उसका क्रेडिट जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स खुद और उनके सोल्जर्स जो है वो उठाया करते थे। रिसेंटमेंट अमंग द ट्रूप्स ऑफ अवध, 1856 में अवध को ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया, जिसके कारण बंगाल के जितने भी सोल्जर्स थे
उन्होंने उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन की भावना आई। 75,000 से भी ज्यादा सैनिक जो है वो अवध से बिलोंग किया करते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स की इन इन पॉलिसीज को देखकर उन्होंने इस चीज का जो है वो विरोध किया। मिलिट्री फेलियर ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स ने बहुत से डिफेक्ट्स और बहुत से डिफरेंस जो है वो फेस किए। इसके अंदर फर्स्ट सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर, ब्रिटिश विक्ट्री इन सिरिमन वॉर वॉज ऑल्सो नॉट डिसरेस्पेक्टफुल। ऑल दीज इवेंट्स थे, सारे जो इवेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स ने इन इनवेंसिबल तरीके से जो है वो क्या किए थे, जीते थे। जनरल सर्विसेज देखो क्या थी, एक्ट आया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो एक गवर्नर जनरल था, इसके अंदर जनरल सर्विस एक्ट जो है वो पास किया गया। इसके अंदर एवरी न्यू रिक्रूटमेंट, अगर कोई भी नई जॉब लगती है, सर्व एनीवेयर इन इंडिया और ओवरसीज, की किसी भी सैनिक की सेना में नई जॉब लगती है तो उसको क्या होगा, या तो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में या इंडिया से बाहर जो है उसे क्या करना होगा, अपनी सेवा देनी होगी। अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीव्स ऑफ हिंदू, क्रॉसिंग द सी वॉज लाइबल टू डिस्ट्रॉय वन कास्ट। इंडियन भारतीय धर्म के अनुसार अगर आप किसी भी एक कास्ट को डिस्ट्रॉय करते हो, रिलीजन को डिस्ट्रॉय करते हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। जिसके कारण जो है, जिसके कारण क्या होने लगा, बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट जो है वो हुआ और ये क्रांति जो है वो स्टार्ट हुई। आप देखेंगे इमीडिएट कोज क्या क्या थे। द एनफील्ड राइफल्स वॉज इंट्रोड्यूस 1856 के अंदर एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। कार्टेज वॉज सेम ग्रीस, इसके अंदर कार्टेज जो है वो लगता था, कवर्ड विद कैप, उसके कैप होती थी विच हैड टेकन यूज बिफोर, जिसको उस कैप को बाहर निकाल के उस कार्टेज जो है उसको यूज लेना होता था। स्पॉयल्स का ये मानना था कि ये जो ग्रीस है वो काऊ और पिक के फैट से मिलकर बनती है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो लोग, दोनों धर्म जो है वो इसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इन लोगों ने इस कार्टेज को यूज करने से मना किया, जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है, जो एक स्पॉय था बैरकपुर के अंदर, उसने रिएक्ट किया और उसे अरेस्ट किया गया और 8 अप्रैल को जो है वो फांसी की सजा दी गई। और इसी फांसी की सजा दी जाने के कारण जो है वो 1856 का 7 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। 9th मार्च 1857 को 85 सोल्जर्स मेरठ के अंदर जो है वो कार्टेज के यूज के लिए विरोध कर रहे थे, जिनके लिए उन्हें 10 साल के लिए जो है वो कारावास की सजा जो है वो डियर स्टूडेंट्स दी गई। स्पॉयल सेट फायर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, इन सिपाहियों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो घर थे उनको जलाया, बहुत से ब्रिटिश मैन, वुमेन और बच्चों को मारा और उसके बाद दिल्ली की तरफ चले गए। द स्पॉय ऑफ मेरठ, मेरठ के जो स्पॉय थे, इन सभी लोगों ने जो है ऑल नाइट 10th में 10 मई की रात को दिल्ली पहुंचे और अर्ली आर सुबह सुबह जो है वो इन्होंने इस न्यूज को जो है वो क्या किया, फैलाया। ठीक है, इसके साथ साथ रेड फोर्ट की जो दीवारें हैं वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए, जहां पे बादशाह रहता था, और उसे मिलने की डिमांड की। उन्हें फोर्स किया गया कि पैलेस के अंदर जो है वो बहादुर शाह जफर से वो ना मिले, जो उनका लीडर था। द स्पॉय ऑफ मेरठ रूट ऑल नाइट ऑफ 10th में दिल्ली के अर्ली आवर्स के अंदर मॉर्निंग में ये सारी घटनाएं जो है वो घटी, जिसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम का सामना जो है वो इस पीरियड के अंदर इन्हें करना पड़ा। इसके अंदर बहुत से लेटर चीफ्स और रूलर्स को जो है वो इसके लिए लिखे गए कि इंडियन स्टेट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो फाइट कर रहे हैं, जिसके कारण बहादुर शाह जफर ने वो बहुत इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उस बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह ने डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, रिबेलियन को चेंज करने के लिए वर्क करेगा,
इसके साथ साथ बहुत सी पॉसिबिलिटीज जो है उनको भी इसके द्वारा जो है वो देखा जाएगा। अब ये क्रांति स्टार्ट कैसे हुई उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस क्रांति को स्टार्ट किया गया। 1857 बैरकपुर इन बंगाल, जो बंगाल के अंदर आता है, वहां से स्टार्ट हुई। 28 मार्च को एक मंगल पांडे नाम का आदमी आस पीस फेलो सोल्जर्स अपने साथी सोल्जर से पूछता कहता है रिफ्यूज टू यूज ग्रेज्ड कार्टेज, कि वो ग्रेज्ड कार्टेज को यूज नहीं करेगा। सर्जेंट हुडसन और लेफ्टिनेंट वेज जो है वो मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन ही शूट डाउन बोथ ऑफ देम, लेकिन ये दोनों को मार देता है। मंगल पांडे वॉज कैप्चर्ड, मंगल पांडे को कैप्चर किया जाता है बाय द अदर ब्रिटिश ऑफिसर, दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा मंगल पांडे को जो है वो कैप्चर किया जाता है। एंड 8 अप्रैल 1857 को हैंग्ड यानी फांसी की सजा जो है वो मंगल पांडे को दी जाती है। उसके बाद मंगल पांडे वॉज द मार्टियार्स, मार्टियार्स का मतलब होता है शहीद, शहीद हो जाता है आजादी के इस स्ट्रगल में, आजादी का ये जो संघर्ष था उसके अंदर जो है वो शहीद हो जाता है। और डिसआर्म और स्पॉयल नाउ मार्च टुवर्ड्स मेरठ, अब ये स्पॉयल्स जो है वो सारे के सारे किधर मूव करते हैं, मेरठ की तरफ जो है ये सभी लोग जाते हैं। अब मेरठ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरठ के अंदर जो है वो यहाँ पे क्या कंडीशन थी या किस तरीके से लोग जो है वो क्रांति कर रहे थे। 9 मई को उसी साल 85 स्पॉयल्स जो है वो कैवलरी सेना के साथ जो है वो ग्रिज्ड कार्टेज को यूज करने से मना करते हैं। इसके साथ साथ बहुत से लोगों को सेंटेंस्ड के 8 से 10 साल के लिए जेल के अंदर डाला जाता है। अपराइजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरठ के अंदर। राइज द स्लोगन, स्लोगन हर हर महादेव का स्लोगन जो है वो स्टार्ट होता है, और किल टू फिरंगी, फिरंगियों को मारो, ये स्लोगन स्टार्ट किया जाता है। 10 मई को इन सभी लोगों को जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। किल्ड देयर ऑफिसर एंड राइज द बैनर ऑफ रिवॉल्ट, अगले दिन जो है वो मैग्नेट ड्राइवन जो है उसको किया जाता है, और सनसेट से पहले ये सभी लोग दिल्ली की तरफ जो है वो क्या करते हैं, मार्च करते हैं, यानी दिल्ली की तरफ जो है वो जाते हैं। देखो अब दिल्ली के अंदर पहुंचने के बाद, दिल्ली में जाने के बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो इन लोगों की क्या कंडीशंस थी। द अराइवल स्पॉय फ्रॉम मेरठ अराइव एट द गेट, रेड फोर्ट के गेट पे पहुंचते हैं 11 मई को। इट वॉज रमजान डे, रमजान का दिन था, और ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो है वो अपनी प्रेयर्स करके और खाना खा के जस्ट फ्री हुआ था। ही हियर्ड, वो सुनता है स्पॉय राइजिंग, स्पॉयज के जो स्लोगन्स हैं उनको, विक्ट्री ऑफ बहादुर शाह विद ग्रेट जील, जील का मतलब होता है एनर्जी, उत्साह। दे हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो, सभी उसकी खिड़की के नीचे इकट्ठा थे। दे टोल्ड बहादुर शाह, वो बहादुर शाह से कहते हैं वी हैव केम फ्रॉम मेरठ, हम मेरठ से आए हैं, आफ्टर किलिंग इंग्लिश मैन, जितने भी वहां पे ब्रिटिशर्स थे उनको मारने के बाद। दूसरा सिपाही का जो ग्रुप है वो दिल्ली में एंटर करता है। आम द ऑर्डिनरी ऑल्सो ज्वाइन देम, आम जनता भी उनको ज्वाइन करती है। लोकल इन्फेंट्रीज जो है वो भी ज्वाइन करते हैं, और बहुत से यूरोपियन ऑफिसर्स को मारा जाता है और उनकी सिटी को ऑक्यूपाई किया जाता है। रिबेलियन सोल्जर्स जो है वो प्रोक्लेम्ड, घोषणा करते हैं बहादुर शाह को इंडिया का एम्परर बनाने के लिए, और अनफर्ल्ड द मुगल बैनर, कि मुगल्स का जो बैनर है वो भारत के अंदर फहराया जाए। सम ब्रिटिशर्स, कुछ ब्रिटिशर्स जो है सोल्जर्स अंडर द कमांड ऑफ जनरल विलिंग बे ऑफर्ड जो है वो क्या है, रेजिडेंस ऑफ द, बट दे वर मिजरेबल डिफीटेड, लेकिन ये लोग हार जाते हैं। फॉर सम डे द रिबल्स रूथलेसली, उसके बाद कुछ राइबल्स जो है इन्हें क्या किया जाता है, बहुत ही गलत तरीके से जो है वो इन लोगों का यूज किया जाता है।
श्यामाल जो है वो उत्तर प्रदेश के एक भरूड गांव में रहते थे, जो एक जाट कल्टीवेटर्स फैमिली से क्लास से बिलोंग किया करते थे। कुछ हेडमैन को इकट्ठा करते हैं और 84-10 या 84 जो विलेज हैं वहां पे ये लोग ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। ही सेंट ये सभी लोग सप्लाईज जो है उनको बंद करते हैं और स्टॉप करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको भी क्या किया जाता है, पूरी तरीके से जो है वो बंद किया जाता है। क्लियर? श्यामाल टुक ओवर द बंगलो ऑफ इंग्लिश ऑफिसर्स और उसे हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर वो बदल देता है। उसके पीरियड के अंदर लोगों का फिरंगी राज जो है वो अंत, और उसके बाद उनका राज स्टार्ट होता है। श्यामाल को बेटर जुलाई 1857 में एक युद्ध के अंदर जो है वो श्यामाल जो है वो मारा जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ लखनऊ, अलीगढ़, बनारस, रोहिलखंड, इन सभी खंड, इन सभी के अंदर जो है वो क्रांति बढ़ जाती है और यहाँ सभी के सोल्जर्स जो है वो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। तो ये था अपना चैप्टर जो मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।